एक बार फिर से सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा। मैं योगेश जांगिड अपने बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, और सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो एक सब्जेक्ट लगता है आप लोगों के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसके बारे में हमने चर्चा की। अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने किया, विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की, किन को किस रूप में रखा गया, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कैसे उन परिभाषाओं का आधार रखा गया, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज अपने चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उन समस्याओं के अंतर्गत सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे साधनों की सीमितता है। उन सीमित साधनों के आधार पर आप लोगों के देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या रहता है, उसका स्वरूप कैसा रहता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, उसके बाद में बात करते हैं अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था की, और उसके बाद में बात करते हैं अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये अर्थव्यवस्थाएं होती क्या है, उनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जो हमने बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्त जो फैसले होते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, किसी देश के अर्थव्यवस्था के संचालन से संबंधित, वो फैसले किसके पास होते हैं, पूंजीपति लोगों के पास होते हैं। जिस प्रकार अमेरिका एक पूंजीपति अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, उसी प्रकार अपने बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्त जो फैसले होते हैं वो आपकी सरकार के हाथ में होते हैं, यानी जन कल्याण के उद्देश्य से इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ क्षेत्र पूंजीपति लोगों के पास और कुछ क्षेत्र जो जन कल्याण या सामरिक महत्व के होते हैं वो सरकार के पास अधीनस्थ होते हैं। ये तीनों जो स्वरूप है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन का माध्यम होते हैं। अब मैं बात करूं अपने देश के की, तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण भारतीय जितने भी जो थे वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते थे, उन पर नियंत्रण अंग्रेजों का था, ब्रिटिश शासन का था। अब अंग्रेजों के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते थे वो फैसले भारत के लोगों के कल्याण से संबंधित नहीं थे, वो केवल अपने लाभ के उद्देश्य से, अपने धन को बढ़ाने के उद्देश्य से या अपने कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से ही भारत में निवेश किया करते थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 को, तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की। भारत की अर्थव्यवस्था के संभालना काफ़ी कठिन था। उस कठिनता का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से तहस नहस कर चुके थे, यानी भारत का कच्चा माल विदेशों में भेज देना, यहाँ के उद्योग धंधों का सफाया कर देना, वहाँ का तैयार माल भारत के अंदर ले आना, ये सारी जो चीज़ें थी वो एक देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें थी, और वही चीज़ें भारत देश के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा की गई। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था, विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों के बीच में मंथन हुआ, इन सारी चीज़ों को रखा गया। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया, उसके बाद में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्राइवेट सेक्टर को भी लोगों को भी देना अनिवार्य था, तो उन चीज़ों का संचालन जो सरकार नहीं कर पा रही थी वो निजी हाथों के अंदर सौंप दिए गए। अब दोनों सरकार और प्राइवेट क्षेत्र या निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक मिश्रित देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, और भारत वर्तमान के अंतर्गत मिश्रित देश अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। आज अपने चर्चा करेंगे जो देश के अंतर्गत जो केंद्रीय समस्याएं अर्थव्यवस्था को लेकर, उनमें सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किए जाने का मतलब है कि जो वस्तुएं मानव उपयोग के लिए आवश्यक है, यानी जिन वस्तुओं की बाजार में मांग है, उन्हीं वस्तुओं का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। लेकिन एक अर्थव्यवस्था के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसे यह अनुमान, ये ज्ञान लगाना काफ़ी कठिनाईपूर्ण होता है कि उसके द्वारा किन वस्तुओं का और उन वस्तुओं की कितनी मात्रा का हम उत्पादन करें ताकि देश के लोगों को उन चीज़ों का उपयोग प्राप्त हो सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरी समस्या, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन की दो तकनीकें होती हैं, एक तो होती है मानव श्रम और एक होती है पूंजीगत तकनीक।
अब मानवीय श्रम के अंतर्गत व्यक्ति विशेष द्वारा जो कार्य किए जाते हैं यानी प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जिन कार्यों को करेगा वो मानवीय श्रम के अंतर्गत आएगा, जबकि पूंजीगत के अंतर्गत क्या हुआ, मशीनों के माध्यम से किसी प्रकार के कार्यों को किया जाएगा। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र की अपने बात करें तो मानव श्रम और पूंजीगत साधन दोनों के माध्यम से कृषि कार्य को किया जाता है। अब समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य समस्या उत्पन्न होती है। क्या हम मानव पूंजी का इस्तेमाल करें, क्या हम पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो इन दोनों के मध्य की जो टकराव की जो स्थिति है उस स्थिति के कारण क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। इन समस्याओं के समाधान की चर्चा में आगे करेंगे। तीसरी जो समस्या दी गई है वो आपके उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास रहता है। कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं, यानी विभिन्न प्रकार के श्रेणीबद्ध लोगों का निवास हमारे देश के अंतर्गत रहता है। तो उनसे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन किस तरीके से किया जाए, पूंजीपति लोगों को किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो, मध्यम के लिए किस प्रकार का हो, निम्न का किस प्रकार से हो। अब ये तीन स्थितियाँ एक देश के समक्ष जब उत्पन्न होती है, ये तीन स्वरूप हमें जनसंख्या के मिलते हैं, मानव के रूप में मिलते हैं, तो उन तीनों स्वरूपों को संतुष्टि किस प्रकार प्रदान की जाए, इससे संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो तीन समस्याएं होती है किस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, है किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में कौन के माध्यम से किया जाए, किस तरीके से किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये मुख्य रूप से तीन समस्याएं। सबसे पहली जो समस्या है उस समस्या के संदर्भ में अपने एक तालिका का निर्माण किया है जिसमें हमने उत्पादन संभावना के बारे में बताया। उत्पादन संभावना की अगर अपने बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र इस बात को प्रदर्शित करता है जो आपके पास दो विकल्प उपलब्ध हैं उन दोनों विकल्पों के माध्यम से आप कितनी मात्रा में किस तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, उन साधनों की सीमितता उनके वैकल्पिक उपयोग के कारण और अधिक बढ़ जाती है, और इसी अधिकता के कारण इस बात को इस तालिका के माध्यम से दर्शाने का कार्य किया गया है। अपने बात करते हैं, कुछ संभावनाएं दी गई हैं भी, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। संभावनाएं पूंजीगत वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग व्यक्ति विशेष पूंजी निर्माण के अंतर्गत करता है। जिस प्रकार परिवहन की बात करें तो कैसी वस्तु है, पूंजीगत वस्तु। अपने बात करें उपभोग वस्तुएं, तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनका इस्तेमाल व्यक्ति विशेष अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, या कहने का मतलब है जिसे खरीदने के बाद उसका उपभोग कर लिया जाता है। जिस प्रकार ब्रेड, बिस्किट, दूध वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंतर्गत उन वस्तुओं को खरीदने के बाद सीधा इस्तेमाल करता है, वो कौन सी होती है, उपभोग वस्तुएं। तो हमारे पास सीमितों की साधना है, साधनों की सीमितता है, और उन सीमितता साधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं का हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, एक पूंजीगत वस्तु है, एक उपभोग वस्तु है। अगर एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय उपभोग वस्तु की 150 इकाई पर खर्च करता है तो पूंजीगत वस्तुओं का हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। यानी संभावना एक ही, अगर अपने बात करें, अगर एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग वस्तु पर अपनी संपूर्ण आय का खर्च किया जाता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत पूंजीगत वस्तु है उनका उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने बात करें, अगर उपभोक्ता पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाता है या पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को महत्व देता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा के वृद्धि के साथ साथ उपभोग वस्तुओं की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी का कारण ये रहेगा क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। इसी प्रकार अगर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 करता है, वैसे धीरे धीरे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाता है, वैसे उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। 140, 120, 90, 50 और 100, और अंतिम रूप से अगर हम अपने पूंजीगत वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन करना चाहेंगे तो वो 50 होगा, और उसके स्थान पर उपभोग वस्तुओं का जो उत्पादन होगा वो शून्य होगा। एक वक्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है। एक तरफ उपभोग वस्तुएं दी गई हैं, दूसरी तरफ पूंजीगत वस्तुएं दी गई हैं। अगर अपने बात करें उपभोग वस्तुओं की तो उनकी संख्या के आधार पर अपने को जो अधिकतम जो है वो कितना दिया गया आप लोगों को, 150 दिया गया, जबकि पूंजीगत वस्तुओं का अधिकतम कितना दिया गया, 50 दिया गया। अब चर्चा करूँ, सबसे पहली जो संभावना हमारे पास ए पे थी, उस ए की संभावना के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उपभोग वस्तुओं की अधिकतम मात्रा 150 हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इसकी क्या है, शून्य है।
इसी प्रकार जैसे जैसे पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया जाएगा या उत्पादन बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों की उपभोग वस्तुएं क्या हो जाएंगी, नीचे आती जाएंगी। अब उपभोग वस्तुएं जैसे जैसे नीचे आती जाएंगी, उसी प्रकार अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग संयोग हमें प्रदर्शित होंगे। जिस प्रकार ए, तो ए पर इसके अंतर्गत 150 का और इसका शून्य। इसी प्रकार बात करूं मैं बी बिंदु पर, तो उपभोग वस्तुओं की मात्रा 120 होगी, जबकि पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा कितनी होगी, 10 होगी। तो ये जितने भी जो बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये उन संभावनाओं को व्यक्त करते हैं अगर एक उत्पादक या एक उपभोक्ता इनके अंतर्गत किसी प्रकार का परिवर्तन है करता है। इस रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है, उत्पादन वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु उस संभावना को व्यक्त करता है जो दो वस्तुओं के बीच के संबंध को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इस उत्पादन संभावना वक्र की अगर अपने बात करें, तो ये उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। नीचे का मतलब हमारे पास उन वस्तुओं की मात्रा कम, और ज़्यादा का मतलब है भी जो हमारे पास जो आय का साधन या स्रोत था, जो साधन थे, उन साधनों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, या किसी तकनीकी कारण से, आविष्कारों के कारण से कम लागत पर अधिक उत्पादन संभव हो पा जाता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। मान लीजिए जो साधन हमारे पास उपलब्ध थे, उन साधनों के आधार पर उपभोग वस्तुएं इतनी और पूंजीगत वस्तुओं का इतना उत्पादन हम कर पा रहे थे, अगर उस परिस्थिति के अंतर्गत उत्पादन संभावना अगर इस पी बिंदु पे बनता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत हमने अपने साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं किया। कुशलतम उपयोग का मतलब है जो पी बिंदु है वो इस वक्र से काफ़ी नीचा है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण उत्पादन कम हुआ था। उत्पादन इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन साधनों के सही इस्तेमाल या आवंटन के अभाव के कारण उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाया। ये बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के उस बिंदु को प्रदर्शित करता है जहाँ पर आप लोगों के द्वारा वस्तुओं के साधनों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। ऊपर का जो वक्र है वो इस बात को प्रदर्शित करेगा, अगर हमारे पास साधनों की मात्रा में वृद्धि होती है तो अपने इस वक्र के अंतर्गत वृद्धि होगी, या तकनीकी विकास के कारण किसी प्रकार का बदलाव आता है तो साधनों के उपयोग में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के कारण यह वक्र ऊपर चला जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जिस वक्र पर खींचे गए विभिन्न बिंदुओं का एक ऐसा संयोग प्रदर्शित किया जाता है जिसके अंतर्गत हम दो वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया का समावेश करते हैं। यानी कहने का मतलब, उत्पादन संभावना वक्र वह संभावना व्यक्त करने वाला वक्र होता है जो विभिन्न उत्पादन स्तरों को क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं अपने केंद्रीय समस्याएं जो हमारे समक्ष थी, विभिन्न वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये हमारे देश के अंतर्गत व्याप्त कुछ समस्याएं थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि देश की अर्थव्यवस्था के तीन स्वरूप पाए जाते हैं, पहला जो स्वरूप होता है वो पूंजीगत वस्तुएं होता है, दूसरा जो स्वरूप होता है वो मिश्रित वस्तुएं होता है, और तीसरा जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है आप लोगों के, समाजवादी अर्थव्यवस्था को होता है। इन तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत जो चीज़ें आप लोगों के दी गई हैं, उन चीज़ों के अंतर्गत सबसे पहली जो समस्या हमारे समक्ष थी वो समस्या थी किन वस्तुओं को और कितनी मात्रा में किया जाए। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमेशा आप लोगों को याद रखना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के लिए कार्य करती है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था का लाभ उद्देश्य होगा वहाँ पे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, यानी अधिक कीमत पर जिन वस्तुओं की मांग होगी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन किया जाएगा जो लोग उन वस्तुओं को उन कीमत पर खरीदने में सक्षम होते हैं, यानी जो पूंजीपति जो लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। जो देश के जो मध्यम या निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो इन वस्तुओं के उपभोग से क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरी बात करें उत्पादन कैसे किया जाए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से लाभ निहित करती है, लाभ निहित अर्थव्यवस्था है, यानी उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है।
उत्पादन की दो तकनीकें होती हैं, एक मानवीय श्रम के माध्यम से, एक पूंजीगत श्रम। अगर मानवीय श्रम सस्ता किसकी तुलना में, पूंजीगत श्रम के तुलना में, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानव का इस्तेमाल करेगी। अगर मानव की तुलना में मशीनें सस्ती हैं तो मशीनों का इस्तेमाल। तो उत्पादन का आधार क्या रहेगा, वो उसके लाभ पर निर्भर करेगा। कौन सी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानव का इस्तेमाल तभी होगा जब वो पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में क्या होगी, सस्ती होगी। तीसरा जो दिया गया, किसके लिए किया जाए, तो किसके लिए किया जाएगा, उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किसके लिए किया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जो लोग उनसे खरीदने में सक्षम हैं। यानी कहने का मतलब, जो लोग उस वस्तु विशेष को खरीदने में सक्षम है, जिसके पास पर्याप्त धन है, उन्हीं लोगों के लिए क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। ये अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन समस्याओं का समाधान था। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की मैं अपने बात करूं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण से प्रेरित होती है। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण से संबंधित हो रखता है। इसमें उस हर वर्ग को शामिल किया जाता है जो इस देश का निवासी होता है, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का, चाहे वो निम्न वर्ग का हो। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारों का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। तो इन समस्याओं के समाधान के अंतर्गत सबसे पहले बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन वस्तुओं को और कितनी मात्रा में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जो आम नागरिक, आम जनता को आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। उसके पीछे का कारण है मानव कल्याण, जन कल्याण। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था इस बात को जोर देती है कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक तबके के उस व्यक्ति विशेष को उस वस्तु का उपभोग प्राप्त हो जो इस देश का क्या हो, निवासी हो। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाएगा। मैंने दो तकनीकें बता दी, भी दोनों तकनीकों में जो सस्ता रहेगा, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे मानवीय श्रम हो, उन तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन उस हर अंतिम व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो देश का नागरिक है, इस देश से संबंध रखता है। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, उन्हें भोजन उपलब्ध करवाना, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, मूलभूत जितने भी सुविधाएं वो उपलब्ध करवाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, हर उस नागरिक के लिए किया जाएगा जो देश का नागरिक है, उस व्यक्ति को प्राप्त प्रदान किया जाएगा तो उस देश के अंदर निवास कर रहे हैं। तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद का संयुक्त रूप है। कुछ कमियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थी, कुछ कमियां समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर थी। उन कमियों को दूर करते हुए दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया गया। और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी भी लोग रहते हैं और मिश्रित समाजवादी भी सरकार के माध्यम से संचालन किया जाता है। इन मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने इन तीनों समस्याओं की अगर अपने बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का, इनमें उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जो पूंजीपति लोगों के लिए भी उपलब्ध हो और जो निम्न वर्ग के लिए उपलब्ध हो। क्योंकि यहाँ पे देश के अंतर्गत पूंजीपति और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से मिश्रित रूप से चलाई जा रही है, संचालित की जा रही है। तो इन दोनों के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पूंजीपति वर्ग उन वस्तुओं से वंचित न रहे और एक निम्न वर्ग भी उन वस्तुओं से वंचित न रहें। कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा मांग पर निर्भर करती है। मात्रा हमेशा किस पर निर्भर करती है, मांग पर। जितनी मांग पूंजीपति वस्तुओं की होगी वो उनके द्वारा पूर्ण की जाएंगे और जितनी मांग एक निम्न वर्ग की होगी वो एक सरकार के जो जन कल्याण से संबंधित जो कार्य उनके अंतर्गत उनको पूरा किया जाएगा। दूसरी बात, उत्पादन कैसे किया जाए, तो अर्थव्यवस्था के अंदर वही बात, उत्पादन तकनीकी जो उपलब्ध हैं, मानव हो चाहे पूंजी हो, उन दोनों में से जो सस्ता रहेगा उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा, किसके लिए किया जाए, तो किसके लिए किया जाए के अंतर्गत तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक तो पूंजीवादी लोगों के लिए और एक है जो निम्न वर्ग जो देश के अंतर्गत विद्यमान है उनके लिए किया जाएगा। अगर अपने बात करें केंद्रीय समस्याओं की, तो ये केंद्रीय समस्याएं हमारे समक्ष देश के अंतर्गत रहती है। क्या कितना कैसे, क्या कितना कैसे देश की मांग पर निर्भर करता है, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर पर निर्भर करता है, वहाँ के लोगों के आय स्तर पर निर्भर करता है। ये सारी जो चीज़ें वो देश के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करती है, वे किस तरीके से किन वस्तुओं का और कैसे उत्पादन होगा और कैसे उन चीज़ों को उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा, वो सरकार पूंजीपति लोगों के साथ मिलकर या सरकार अपने स्तर पर निर्धारण करने का कार्य करती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार अपने स्वामित्व में रखती हैं, जो जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, जिस प्रकार भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सभी जो चीज़ें मूलभूत जो आवश्यकता है, वो एक देश के समक्ष या देश के अंतर्गत
सरकार द्वारा संचालित होंगी, जबकि इसके अलावा जो पूंजीपति जो वर्ग या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार रहता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है, वो उन वर्गों के लिए काम करेगी जो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है। ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहला जो चैप्टर था आप लोगों के अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का अर्थ क्षेत्र विषय वस्तु और परिभाषाएं, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा, विस्तृत अध्ययन किया इनके बारे में। आगामी कक्षाओं के अंतर्गत जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब इन चीज़ों को और विस्तृत विस्तार से आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितना जो आप लोगों को बताया गया है उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस बात को लिख कर शेयर कर सकते हैं, ताकि इन समस्याओं का समाधान मेरी आगामी कक्षाओं के अंतर्गत आप लोगों को मिलता रहे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा में, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। COVID-19 का जो समय जो चल रहा है उसे विकट महामारी के कारण जो जनहानि त्रासदी हमें देखने को मिल रही है, आप उससे सुरक्षित होंगे। और उम्मीद और आशा की किरण के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।